नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गया, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए शपथ लेंगे। आपको बता दें कि उनके साथ और भी जो सहयोगी दल के मेंबर हैं वो भी कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार से सबसे प्रमुख नाम जो चल रहा है चिराग पासवान को लेकर चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, जदयू भी 12 सीटें जीतकर इस सरकार में काफ़ी अहम रोल में है। और आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ऐसा विभाग बना हुआ है जिसको लेकर जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास सबसे ज़्यादा जोर लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की तरफ से दो कैबिनेट और दो राज्य मंत्री की डिमांड की गई है। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री जरूर मिलेगा। और आपको बता दें कि कैबिनेट में सबसे ज़्यादा जोर जो है वो रेल मंत्रालय को लेकर है। चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह रेल मंत्री बनना चाहते हैं। आपको याद होगा 1996 में जब HD देवगौड़ा की सरकार बनी थी, उस समय रामविलास पासवान जो हैं वो रेल मंत्री बने थे और काफ़ी नाम कमाया था उन्होंने। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का उन्होंने जोन बनाया, सेंटर बनाया हाजीपुर को। उनका संसदीय क्षेत्र भी है हाजीपुर। और चिराग पासवान भी इस बार हाजीपुर से चुन के गए हैं संसद में। और उनका भी पूरा जोर है कि लोजपा रामविलास को रेल मंत्रालय दिया जाए और चिराग पासवान रेल मंत्री बने। अपने पिता का जो पद था जिसको लेकर काफ़ी मान सम्मान, एक अलग पहचान रामविलास पासवान की देश में बनी थी, चिराग पासवान का भी यही चाहत है कि वो देश के अगले रेल मंत्री बने। लेकिन आपको बता दें, रेल मंत्रालय को लेकर जो है जदयू का भी सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि नीतीश कुमार भी देश के रेल मंत्री रह चुके हैं और वो भी रेलवे में काम करके काफ़ी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कई नई ट्रेन, नए प्रोजेक्ट नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किए गए। अब इसमें प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार तो इस बार केंद्र में नहीं जाएंगे, वो बिहार के मुख्यमंत्री ही रहेंगे, तो ऐसे में जदयू को आखिर किसे रेल मंत्रालय दिया जा सकता है? तो आपको हम बता दें कि जैसे अभी रेलवे में कार्य चल रहे हैं, पिछले 10 सालों में देखिए आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी और नए चीज़ों को रेलवे से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, रेलवे का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान युवा हैं, नई सोच के हैं। अगर BJP इस मंत्रालय को अपने सहयोगी को देती है तो ज़्यादा प्राथमिकता चिराग पासवान को ही दिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान जो अभी रेलवे में आधुनिकीकरण चल रहा है उसमें और तेज़ी ला सकते हैं। नए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और बता दें आपको कि इनकी सोच जो है वो प्रगतिशील है। तो ऐसे में अगर BJP, हालांकि आपको बता दें BJP ने 6 मंत्रालय को लेकर एक तरह से साफ साफ कह दिया अपने सहयोगियों को कि ये 6 मंत्रालय हम अपने पास रखेंगे। ये 6 मंत्रालय हैं गृह हुआ, वित्त, विदेश और रक्षा, इसके साथ साथ सड़क परिवहन और रेलवे। ये 6 विभाग जो है BJP अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि रेलवे ऐसा विभाग है जिससे डायरेक्ट आप जनता को फायदा पहुंचाते हैं। डायरेक्ट आप जनता जो है आपके कार्यों से लाभान्वित होती है और अपना रिकॉर्ड कार्ड दिखाने में भी रेलवे एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप अपने क्षेत्र से ज़्यादा ट्रेन खोलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसका सीधा फायदा आपको मिलता है। और बिहार में आपको बता दें कि इस चीज़ का फायदा कई नेता उठा चुके हैं, चाहे वो रामविलास हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव भी हो, काफ़ी प्रसिद्धि मिली रेलवे से। और यही वजह है कि बिहार जो है, बिहार के 2 प्रमुख दल जो हैं वो रेलवे विभाग के लिए काफ़ी माथापच्ची किए हुए हैं, दबाव बनाए हुए हैं। चिराग पासवान और जदयू के द्वारा रेलवे प्राथमिकताओं में एक है कि ये विभाग हमें दिया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि भाजपा रेलवे मंत्रालय देती है या नहीं देती है, और देती है तो
तो किसे देती है, चिराग पासवान को या फिर नीतीश कुमार को देती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। और संभावनाएं हैं कि अगर सहयोगियों को दिया जाएगा तो चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर है कि इन्हें दिया जा सकता है रेलवे मंत्रालय। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।